हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब एंड फुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं लेके हाजिर हूं हाई सैलरी वाली जॉब्स, हाई सैलरी वाली जॉब। यस, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर रहे हैं और पास वाले बेल आइकन को टच कर ले ताकि नई नई जॉब के अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, जॉब होने वाली है हाई सैलरी वाली जॉब्स, हाई सैलरी। इसकी सैलरी में बताऊंगा तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी। यस यार, ये जॉब्स हाई सैलरी वाली है, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। और इसमें बड़ी बात है ये कि एज लिमिट इसमें कुछ फिक्स नहीं है। तो गाइस, जॉब्स होने वाली है मार्केटिंग की। मैंने कई बार जो है मार्केटिंग का वीडियो अपलोड किया था। आप अगर मार्केटिंग फील्ड में जाते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है और वो सैलरी जेन्युइन रहती है, रियल रहती है, फेक नहीं रहती है कि आपको बोला कुछ और जाता है, दिया कुछ और जाता, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग जॉब है ये इसमें, और इसमें जो सैलरी रहती बोली जाती है वही सैलरी आपको दी जाती है। तो गाइस, सैलरी रहती है इसमें 40 to 45,000। यस, 40,000 से लगाकर 45,000 तक सैलरी रहती है इसमें। मिनिमम की बात कर रहा हूं तो मिनिमम 30,000 से चालू होती है इसमें सैलरी। आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा कौन सा काम है मार्केटिंग में, तो गाइस मार्केटिंग का आप कहीं भी जाएंगे, कौन से भी कंपनी में जाएंगे तो मार्केटिंग की जो सैलरी रहती है वो अबाउट 30 के ऊपर ही रहती है। इसलिए इसमें जो है एज लिमिट तो फिक्स नहीं रहती है। रीजन ये रहता है कि 40-45 साल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है। जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होती है उतने ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होता है। तो मार्केटिंग के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों रिक्वायरमेंट है। लोकेशन बेंगलोर, सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर में, ऑल ओवर बेंगलोर। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, या फिर इस जॉब के लिए भी आप आउट ऑफ स्टेशन से आवेदन करना चाहते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की तरफ से आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी कुछ नहीं मिलती है। एक्स्ट्रा फैसिलिटी कहने का मतलब है कि जो बहुत सारी जॉब्स में हम लोग जो है रूम और फूड की फैसिलिटी जो बोलते हैं, उसमें आपको रूम और फूड की फैसिलिटी इसमें देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपको अच्छी खासी हाई सैलरी जॉब्स मिलती है, अच्छी खासी हाई सैलरी मिलती है, ज्यादा सैलरी मिलती है। और 40 to 45,000 जो रहता है वो इन हैंड रहता है। इन हैंड कहने का मतलब है कि CTC नहीं रहता है, इसमें काटना छाटना कुछ भी नहीं रहता है। सिर्फ जो सैलरी 40 to 45,000 बोला जाता है वही सैलरी आपका इन अकाउंट में आती है, आपके अकाउंट में आती है। प्लस इसके अलावा आपका पेट्रोल कन्वेंस दिया जाता है कंपनी की तरफ से, पेट्रोल कन्वेंस भी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। प्लस इसके अलावा कंपनी की तरफ से मोबाइल रिचार्ज और मोबाइल भी दिया जाता है कंपनी की तरफ से। आप कस्टमर से, क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कंपनी अलग से नंबर देती है ताकि आपके और आपकी फैमिली के बीच में आप डिस्टर्ब ना हो कि आप जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं बीच में आपके किसी का रिलेशन का फोन आ रहा है, आपको उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, या फिर आप अपने रिलेशन से बात कर रहे किसी में बीच में क्लाइंट का फोन आ रहा था उसका अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो गाइस ऐसा नहीं है कि इसमें अलग से आपको इसलिए फोन दिया जाता है, आपको जो अलग से एक नंबर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, और रिचार्ज वगैरह की फैसिलिटी कंपनी का ही रहता है। टाइमिंग इसमें फिक्स नहीं रहता है। फिक्स इसलिए नहीं रहता है कि क्लाइंट कब फोन करे, कब आप उसको जो मीटिंग के लिए जाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जनरल मान के चलिए कि जो मार्केटिंग के लिए 8 से 9 घंटा ड्यूटी रहता है, 9 घंटे ड्यूटी रहता है। इसके अलावा संडे से छुट्टी रहती है, प्लस गवर्नमेंट हॉलीडे जो आता है वो उसकी भी छुट्टी रहती है। कहने का मतलब ये कि आप एक मान के चलिए कि गवर्नमेंट जो जॉब सही है वैसी ही जॉब सही है मार्केटिंग के लिए। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों रिक्वायरमेंट है, मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग का अच्छा खासा नॉलेज है, 3 से 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस है तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। लैंग्वेज कोई भी रहती है, कोई भी कहने का मतलब है इंग्लिश एक थोड़ा कंपल्सरी होता है इसमें। इंग्लिश इसलिए कंपल्सरी होता है कि आप तो पता ही है
हाई सैलरी वाली जॉब पे, तो इंग्लिश तो एक जनरल आना ही चाहिए इसमें। और कहीं पर भी जाएंगे हम लोग मार्केटिंग फील्ड में लिए ऑफिशियल काम के लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आना ही चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश के अलावा आपको या तो कन्नड़ या फिर तमिल या तेलुगु या हिंदी, साथ में कौन सी भी एक लैंग्वेज रहती तो चलती है। एज लिमिट जैसे मैंने आपको बताया था 18 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम अगर आप 50 साल के हैं तो भी चलेगा, अगर आप 45 के हैं तो भी चलेगा, अगर आप 35 के हैं तो भी चलेगा। कहने का मतलब है कि आप 50-55 साल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बात करने का टेक्निक होना चाहिए, क्लाइंट से मीटिंग कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट से कैसे बात करना है वो आना चाहिए, और मार्केटिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। लोकेशन जैसे मैंने बोला ऑल ओवर बैंगलोर, अच्छा खासा बेनिफिट होता है इसमें, TADAB रहता है, डेली अनाउंसमेंट आपको जो है 50 से 100 रुपए जो है खाने का भी दिया जाता है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मुझे पहले अपना रेज्यूम भेजे, रेज्यूम भेजने के बाद आपको ट्रेनिंग और इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा वहां पे कंपनी में, आपको कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना क्या है। और एक बात, ये टारगेट बेस्ड जॉब भी रहती है, कंपनी जब आपको 40 से 43 हजार रुपए जो महीना देगी तो इसका मतलब है कि वो टारगेट भी लेगी। टारगेट कहने का मतलब है कि कंपनी को महीने का 10 से 15 लीड जनरेट करके देना है, कंपनी को 10 से 15 कॉन्ट्रैक्ट लाके देना है, और कुछ हेल्प इसमें कंपनी वाले भी करते हैं, आपके अपने ऑफिस के थ्रू भी कुछ लीड दी जाती है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है, उस पर भी आप जो है काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है, और ये सैलरी जेन्युइन रहती है, रियल रहती है, फेक नहीं रहता इसमें। काफी सारे कैंडिडेट्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग का, तो उनको पता रहता है कि इस फील्ड में जो जेन्युइन जॉब रहती है जेन्युइन सैलरी रहती है, और जो सैलरी बोली जाती है वो सैलरी दी जाती है। सैलरी का टाइमिंग 5 तारीख से लगाकर 10 तारीख, 10 तारीख के अंदर अंदर आपकी सैलरी कंपनी की जो है आपको अकाउंट में क्रिएट कर दी जाती है। तो गाइस जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट्स हम लोगों को पहले अपना रेज्यूम भेजें, रेज्यूम भेजने के बाद नीचे हाय सर आई एम इंटरेस्टेड मार्केटिंग जॉब करके लिख के टाइप करके भेजें, या फिर आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग का टाइम जैसे मैं आप हर वीडियो में बताता हूँ, सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे उसी दरमियान कॉल करें, उसके बाद में जॉब अपडेट के लिए कृपा करके कॉल नहीं करें। अगर आपको रेज्यूम भेज चुके हैं रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप जो है नहीं पे कॉल कर सकते हैं, और संडे कॉल नहीं करें। तो गाइस एक अच्छी जॉब, अच्छी हेल्पफुल जॉब, और हमेशा की तरह ये है फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब, फ्री जॉब्स। अच्छा, फ्री जॉब से एक बार याद आया कि काफी कभी कभी हम लोगों का मन कर रहा है कि हम लोग भी जो है कुछ कैंडिडेट से चार्ज करें। अब चार्ज क्यों करना चाहते हैं उसका भी एक रीजन बताता हूं मैं। हम लोग जो सिक्योरिटी कंपनी में कैंडिडेट्स भेजते हैं, लड़के भेजते हैं, वो लोग लड़के क्या करते हैं 5 दिन ड्यूटी करते हैं, 10 दिन ड्यूटी करते हैं, उनको फिर ओटी दिया जाता है, ओटी का ओवर टाइम इतना ओटी दिया जाता है कि आदमी मतलब बोला है कि सर मैं कर नहीं पाऊंगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि कंपनी से जो है 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा एडवांस ले लेते हैं, सर मुझे घर में काम है मुझे 1000 रुपए दीजिए, मुझे घर में काम है मुझे 2000 रुपए दीजिए। या फिर वो क्या करेगा, अपना जो रूप में जो है लड़का लोग आसपास में उसका फोन उठा लेगा और गायब हो जाएगा, 1000-2000 रुपए कंपनी से लेके गायब हो जाता है। तो गाइस ये बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही है क्लाइंट की तरफ से कि सर आपकी तरफ से लड़का आया था मुझे 2000 लेके मुझसे 2000 लेके चला गया, हम आपका जो कंपनी का नाम देके उसको पेमेंट देते हैं, नहीं तो हम लोग लड़के लोगों को इतना जल्दी पेमेंट नहीं देते हैं। तो गाइस इसीलिए सोच रहे हैं कि हम लोग अब जो है लड़के लोगों से चार्ज करेंगे ताकि उनको पता चले पैसे की वैल्यू क्या। हम लोग फ्री में जॉब देते हैं इसका मतलब है कि वो फायदा उठाते हैं हम लोगों का, तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं लड़के से चार्ज किया जाए, जब जेब से पैसा जाएगा ना तो उसको पता चलेगा क्या कि जो है पैसे की वैल्यू क्या होती है और रियल में क्या रहता है। जो लोग एजेंसी वाले जो 3000-4000 रुपए जो है लेते हैं जॉइनिंग फोन पे वो अच्छे ले रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग काम ही कुछ ऐसा करते हैं उनके साथ में। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं जो 3000-4000 नहीं लेके जो हम लोग भी जीएसटी भी दे देंगे और क्या, और 1500 रुपए लेंगे एक एक लड़के से।
ताकि ये जो हरकतें हो रही है मार्केट में हम लोगों के साथ वो बंद हो जाएगी और जेन्युइन आदमी ही अप्लाई कर पाएगा। नहीं तो दिन में कितना फोन आता, कितना डॉक्यूमेंट्स आता और काम करता है, 1000-2000 रुपए लेता है और भाग जाता है। सर मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन पे हूँ, मैं अभी कल ही ज्वाइन किया था सर आपके पास, मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, मुझे सर 1000 रुपए दे दीजिए। हम जो है कैसे भी करके, चलो अपना आदमी है मेरी कंपनी की तरफ से गया है, उसको 1000 रुपए हेल्प होना, हेल्प करते हैं। हेल्प के नाम पे जो लूट के चला जाता है, उल्टा ही हम लोगों को लूट के चला जाता है, ऐसा ऐसा चल रहा है मार्केटिंग में। तो गाइस ध्यान दे, ध्यान रखे आगे से जो है आप इस चीज का कभी भी जो है इस चीज का नहीं करें, अगर करेंगे तो हम लोग जो है चार्ज करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज का ख्याल रखें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है, टाइम नहीं मिल रहा है कि हम लोग वीडियो बना के जल्दी से अपलोड कर गए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छी जॉब्स अपडेट्स के साथ, जॉब्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।